किसान भाइयों, अगर आपको पेडी की अधिक पैदावार लेनी हो और वो भी कम खर्च में, आप इस तरह के पौधे छोड़िए। देखिए किसान ने कितनी मेहनत की है, एक एक गन्ना तोड़ा है खेत में से और ये फसल बिल्कुल तैयार है। जड़ से कटी पेडी इसी के बराबर पैदावार नहीं दे सकती, ये हमारा प्रैक्टिकल है, अनुभव है और आप भी जानते होंगे। लेकिन कारण क्या है, ये वही लो आदमी कर सकता है इस तरह, जो उसका परमानेंट नौकर हो या खुद मालिक खुद मेहनत करे। छोला छोलने वाला या ठेकेदार इस तरह के पग नहीं छोड़ता। इसमें एक बार डोज लगानी पड़ेगी बस थोड़ी सी और ये गन्ने की फुल पैदावार ये देख लीजिए कितने कम खर्च की फसल है। राम राम, बिना लागत, बस सिर्फ मेहनत है एक कक गन्ना निकालने की। जैसे ये मेढा है गन्ने का, इसमें से एक कक गन्ना निकालना है, बाकी पौधे छोड़ देने हैं। इससे अच्छी पैदावार पेडी की नहीं आ सकती। आप जड़ से काटिए, उसमें जुताई करिए, खुदाई करिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, लेकिन वो एवरेज नहीं आएगा। एक बात और है, इसमें कीड़ा भी नहीं लगता, कीड़े की लगता ही नहीं इसमें, क्योंकि तो तैयार है। ये तो ऐसा मान लीजिए जैसे किसी का बच्चा 11-12 साल का गोद ले लिया हो, पड़ा पड़ाया, और भाई वो तो जड़ की कटी, तो ऐसे मान लो जैसे अस्पताल में जाकर बच्चा पैदा हुआ, वहाँ का खर्चा, फिर उसे पालो, परवरिश करो, जुकाम खांसी नजला उसका जो है ना, 5-7 साल लो बीमारी बड़ी रहे, जब वो आगे चलता है ऐसे ही इसका है। बड़ी पढ़ाई फसल है, बस मेहनत है थोड़ी सी, किसान चाहे तो मेहनत कर सकता है। बस सिर्फ मेहनत जो है ना कटिंग के टाइम की है, जब ये कटती है। देख लीजिए कितना बढ़िया पुग्गा खड़ा है इस खेत में। ये एक का गन्ना कितना अच्छा पुग्गा है। छोला तो होंगे वो तो अपने न्यार के लिए, चारे के लिए जड़ से काट देंगे, इन पुग्गों को पशुओं के लिए ले जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद मेहनत कर ले या करा लें, किसान खड़ा हो के छुलवाए, किसान क्या कहता है, जा भाई फलाने खेत में छोल छुल रही, एक टोली गांडे छोल दो, तो वे क्या करते हैं, जड़ से काटते हैं, पौगा छोड़ते नहीं। ठेकेदार भी एक आध पौगा छोड़ता है, ये तो जब होता है तो किसान खुद अपने परिवार को साथ लेकर मंडे, या अपने परमानेंट नौकर हों, या खुद खेत में खड़ा रहे, अपने सामने कटवाए और छोलाओं पर चिल्लाता रहे, भाई बिल्कुल नहीं काम चलेगा, छोड़ो, तब छूटते हैं। अब फिर देखिए पैदावार, मेरी बात झूठी हो तो मुझे बताएं, सही हो तो ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार।